दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस पावरफुल गर्ल एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर वन। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया मित्तल एक लौती बेटी है। मित्तल खानदान की साथ में ही अपनी फैमिली की जान है। उसकी कुछ मिस्टीरियस पहचान है जिससे उसकी फैमिली भी है अनजान। अनाया के 19 बर्थडे पार्टी पर कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी फैमिली को खोना पड़ा। अपनी फैमिली के मौत का बदला लेने के लिए वो खुद को संभाल कर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, पर वो उस हत्यारे को पकड़ पाती कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने हत्यारे के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। उसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए अनाया का पुनर्जन्म होता है। जब वो अचानक अपने 15वें साल में स्कूल टाइम में पहुंच जाती है, क्या अनाया अब अपनी फैमिली को बचा पाएगी? उस हादसे से क्या वो अपनी धोखेबाज बेस्ट फ्रेंड से बदला लेगी? कैसे होगी अनाया की जिंदगी में प्यार की दस्तक? कहानी है अनाया की, जो कि मित्तल फैमिली की एक लौती बेटी है। मित्तल फैमिली इंडिया के टॉप 10 फैमिली में से एक है। अनाया के डैड यशवर्धन मित्तल अनाया से बहुत प्यार करते थे। वो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। उनकी पत्नी राशि मित्तल यानी कि अनाया के मॉम की डेथ जब अनाया 10 साल की थी तभी हो गई थी। अनाया के मॉम के डेथ के बाद मिस्टर यशवर्धन मित्तल ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो वो उसकी जगह किसी को भी नहीं देना चाहते थे। वो उनकी यादों के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहते थे। उसी के साथ वो ये भी नहीं चाहते थे अगर उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी वाइफ ने अगर उनकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अनाया को मां का प्यार मिस्टर यशवर्धन के बड़े भाई के पत्नी यानी के उनके बड़ी भाभी ने दिया था। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उन्हें 2 बेटे थे। उन्हें हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, पर उन्हें 2 बेटे हुए। बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते वो कभी मां नहीं बन पाई, लेकिन अनाया के जन्म के साथ उनकी वो भी इच्छा पूरी हो गई थी। उन्हें अनाया के रूप में बेटी मिल गई थी। अनाया के मॉम के यानी की राशि के मौत के बाद इन्होंने ही अनाया को संभाला था और माँ का प्यार दिया था। अनाया बहुत ही मासूम और चुलबुली लड़की थी। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। उसकी फैमिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अनाया अपनी फैमिली के सामने कुछ और थी और बाहर कुछ और ही थी। उसने अपनी पहचान दुनिया से छुपाकर रखी थी। उसकी फैमिली भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वो घर में सबसे मासूम और चुलबुली लड़की थी, साथ ही मैं पूरे मित्तल परिवार की जान थी। असल में अनाया अपने 18 साल के उम्र में ही एक ट्रेन फाइटर थी। वो अकेली ही एक टाइम पर 50 लोगों से लड़ सकती थी। उसको हर तरह के गन की जानकारी थी। वो एक शार्प शूटर थी, साथ ही में वो वर्ल्ड की नंबर 1 हैकर भी थी। उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता था। उसने कई हैकिंग कंपटीशन जीते थे। उसी के साथ वो एक फेमस सिंगर भी थी, पर उसका चेहरा अब तक किसी ने देखा नहीं था। वो जहां भी कॉन्सर्ट में गाने जाती वहां पर वो हमेशा अपना चेहरा मास्क से ढक कर रखती थी। साथ ही वो अपने आंखों को छुपाने के लिए आई लाशेश का यूज करती थी, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था। इन सब के साथ ही वो अपनी एक गेमिंग कंपनी भी चलाती थी, जिसे उसका असिस्टेंट ही संभालता था। बस अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम हो या कुछ एजेंसी हो तो वो कंपनी जाती थी। वो भी सर से लेकर पाँव तक ढकी हुई अपने प्राइवेट लिफ्ट से, ताकि अगर उसे किसी ने देखा भी तो पहचान नहीं पाएगा। आज अनाया का 19 बर्थडे था। उसकी फैमिली में उसके डैड, उसकी बड़ी माँ जिसने उसे उसकी माँ के डेथ के बाद माँ की कमी कभी महसूस हो नहीं होने दी, उसे माँ का प्यार दिया है। वो उसके दोनों भाई जो उससे बस कुछ ही साल बड़े हैं, उसके बड़े पापा दादू दादी सब बहुत ही खुश थे। आज मित्तल मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजा था। अनाया के बर्थडे की बड़ी पार्टी आज मित्तल मेंशन में रखी गई थी, जहां पर उनके सभी फैमिली फ्रेंड्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ रिश्तेदार सब इनवाइटेड थे।
पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, सभी आ चुके थे, बस अब बर्थडे गर्ल का इंतजार थे। तभी सीढ़ियां पर से हाई हील की टक टक आवाज आती है, उसी के साथ फ्लैश लाइट उस तरफ चली जाती है, साथ ही मैं सबकी नजर भी सीढ़ियां से। अनाया उतर रही थी, उसने प्रिंसेस रेड कलर का गाउन पहना था, उसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। काली गहरी आंखों में काजल लगा हुआ था, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, उसी के साथ बालों का फ्रेंच स्टाइल में बन बनाया था। उसके आगे वाले बालों की दो लेट उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसके आजू बाजू उसके टू भाई थे, जिन्होंने उसका एक एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। अनाया और उसके भाई सीढ़ियां से नीचे आते हैं, हॉल में मौजूद सभी की नजर उन भाई और बहन के जोड़ी पर ठहर से गई थी, क्योंकि वो तीनों लग ही रहे थे इतने सुंदर। अनाया के दोनों भाइयों ने आज ब्लैक कलर का डिजाइनर थ्री पीस सूट पहना था, हाथ में ब्रांडेड गड़ी बाल जेल से सेट किए हुए थे, साथ ही पैरों में ब्रांडेड जूते। वो दोनों आज बहुत हो हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। उस पार्टी में मौजूद सभी लड़कों की नजर अनाया से हट नहीं रही थी, और गर्ल्स की उन दोनों लड़कों से, यानी के अनाया के भाइयों से, साथ में ही लड़कियां अनाया की खूबसूरती से जल भी रही थी, और लड़के उसके भाइयों से। इन सब से बेखबर वो तीनों उन सब के बीच में से होते हुए मित्तल फैमिली के पास चले जाते, वहां से वो सब स्टेज की तरफ चले जाते हैं, जहां पर अनाया का बर्थडे केक था। अनाया अपनी फैमिली के साथ स्टेज पर चली जाती है और फिर केक कट करती है। उसके केक कट करते ही सभी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अनाया केक काटकर एक बड़ा सा केक का पीस लेकर सबसे पहले अपने पापा को खिलाती है, बाद में अपनी बड़ी मॉम, दादी, दादू, बड़े पापा और अपने दोनों बड़े भाइयों को, सब भी उसे भारी भारी केक खिलाते। उसके बाद वो सबको थैंक यू कहती है उसके बर्थडे पर, उन्हें सबकी खुशी के मौके पर यह आकर उसे गुड विशेष देने, वो सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। अनाया के डैड सबको थैंक यू कहते हैं उनके खुशी में शामिल होने के लिए और अपनी बेटी के लिए विशेष देने के लिए। उसके बाद वो भी अनाया की तरह ही सब मेहमानों को पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। अनाया के पापा और बड़े पापा दोनों अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने में बिजी होते हैं। दादी दादू अपने दोस्तों के साथ उसकी बड़ी मॉम वहां पर आई हुई उनकी सहेलियों से बात करने लगती है। अनाया और उसके दो भाई वही साइड में जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था, पर किसी को तो ये खुशी राज नहीं आ रही थी। वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे, सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट थी, फिर भी कुछ लोग उस पार्टी में सिक्योरिटी के नाक के नीचे से अंदर आए थे। उन्हें यहां पर आने में फैमिली के ही किसी मेंबर ने मदद की थी, इसलिए वो इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी वहां पर एंटर हो चुके थे। अचानक उस पूरे हॉल में गोलियों की बारिश होनी शुरू हो गई, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। अनाया को भी कुछ समझ आता या वो कुछ एक्शन लेती, उससे पहले ही उसके सामने ही उसके परिवार पर गोलियां चल रही थी। वो ये सब देखकर बेहद गुस्से में आ गई। उसके दो भाई उसे बचाने के लिए उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अनाया उनके साथ जाने से मना कर रही थी, उसे अपने दादू दादी, बड़ी माँ और डैड के साथ ही बड़े पापा को बचाना था जो उन लोगों के कब्जे में थे, पर उसके दो भाई ने उसे अपनी कसम देकर वहां पर रोक लिया। उन दोनों ने उससे वादा किया कि वो सबको सही सलामत बचाकर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तुम बस कहीं मत जाना, अगर तुमको कुछ हो गया तो सब जीते जी मर जाएंगे। अनाया अपनी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रही थी। वो उनसे कहती है, भाई आप लोग भी मुझे सही सलामत चाहिए, जल्दी आना। उसके दोनों भाई अपने आंखों में आंसू लिए उसे देखते हैं। वो दोनों उसे गले लगाते हैं, उसके सर पर हाथ रखकर वहां से चले जाते हैं। अपने दो बॉडीगार्ड को उसे प्रोटेक्ट करने को छोड़कर वो दोनों अनाया को उस सेफ जगह पर छोड़कर फिर से उस हॉल में जाते हैं जहां पर अफरा तफरी मची थी। वो वहां पहुंचते हैं, तभी उस हॉल में बड़ा सा धमाका होता है, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग जगह पर ही मर जाते हैं। पूरा महल माटी के ढेर में बदल जाता है।
अनाया जब उस बड़े धमाके के की आवाज सुनती है तो वो डर जाती है। वो जल्दी से उस जगह पर से निकल जाती है और महल की तरफ बढ़ जाती है। वो वहां पहुंचकर देखती है तो पूरा महल माटी के ढेर में बदल गया है। उसे देखकर वो उस तरफ बढ़ने लगती है और अपनी बड़ी माँ पापा दादू दादा और भाइयों को आवाज देने लगती है उसे उस जगह पर जाते देख। जो बॉडीगार्ड उसके सेफ्टी के लिए उसके भाइयों ने रखे थे वो उसे पकड़ लेते और वहां पर जाने से रोकते हैं, पर जब वो नहीं मानती। वो इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी तो बॉडीगार्ड उसकी नस दबाकर उसे बेहोश करते हैं और वहां से उसे एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं, सेफ हाउस। नितिन और रमेश दोनों अनाया को लेके हादसे वाले जगह को छोड़कर एक सेफ जगह पर लेके आते हैं। उस सेफ हाउस में रोज की जरूरत के सारे सामान थे। ये दोनों वही बॉडीगार्ड थे जिनको अनाया के दोनों भाइयों ने उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें उसके पास छोड़ा था। साथ में उन दोनों ने जाते टाइम उन दोनों को ये कहा था कि अगर इस दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो वो अनाया को एक सेफ जगह पर ले जाए और उसका ख्याल रखे। दोनों ही बॉडीगार्ड के ऊपर मित्तल फैमिली के बहुत ही एहसान थे। आज वो दोनों जिस भी मुकाम पर थे वो सिर्फ और सिर्फ मित्तल फैमिली की वजह से थे, तो वो दोनों उन दोनों भाइयों की बात जल्दी ही मान जाते हैं। उसी के साथ उनसे वादा करते हैं कि अपनी जान पर खेलकर वो अनाया को बचाएंगे, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अनाया की जान को अभी भी खतरा था इसलिए वो दोनों उसे मुंबई में ही बने उनके इस सेफ हाउस में लेके आते हैं, जिसका किसी को भी पता नहीं था। कोई भी उन लोगों को आसानी से नहीं ढूंढ सकता था। उन दोनों ने ही अनाया की जरूरत का सारा सामान वहां पर लेकर आए थे ताकि उसे कोई मुश्किल ना हो। अनाया इस समय उस सेफ हाउस में बने एक रूम में बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। वो रूम दिखने में साधारण सा था पर उसमें अनाया की जरूरत का सारा सामान था। मित्तल मेंशन, मित्तल मेंशन इस वक्त पूरा का पूरा आग में झुलस चुका था। अंदर के किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम थे या यू कहे ना के बराबर थे। बाहर पुलिस फायर ब्रिगेड और रिपोर्टर की लाइन लगी थी। फायर ब्रिगेड वाले लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें बाकी लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। इस वक्त पूरा इंडिया ही सदमे में था भाई। आखिर एक ही साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की ऑन द स्पॉट डेथ जो होगी थी और उसी के साथ पूरी मित्तल फैमिली तबाह हो चुकी थी। शेयर मार्केट में उथल पुथल मैच गई थी। पूरा बिजनेस वर्ल्ड शोक में डूबा था। सब पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुकी थी, हथियारों को ढूंढने में लगी थी। फायर ब्रिगेड भी जल्दी से अपने काम में लग चुका था। उनने आग पर अपना कंट्रोल ले लिया था। आग अब काबू में आ चुकी थी। उसी के साथ अब वो शोध काम स्टार्ट कर चुके थे। धमाके के वजह से मित्तल मेंशन का कुछ हिस्सा पूरी तरह से तेहस नेहस हो गया था। थोड़ी ही देर में वहां से लाशें निकालना शुरू हो गया था। मित्तल खानदान में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। सब की लाशें एक एक करके बाहर लाई गई थी। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। बाकी के लोगों की भी लाशें बाहर निकली गई थी। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर, सब बॉडी पार्ट इधर उधर हो गए थे। धमाका बहुत ही जोरदार था, किसी को भी बचने का टाइम ही नहीं मिला था। ऐसा पहली बार ही हुआ था कि एक साथ इतने सारे लोग किसी हादसे का शिकार हो गए थे। वो भी सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी इतनी बड़ी और टाइट सिक्योरिटी के होते। ये सब हो गया था, सबके घर में मातम छाया था, जिनके भी घर में से जो कोई उस हादसे में शामिल था। ये बात जब नितिन और रमेश को पता चला कि मित्तल फैमिली से कोई भी जीवित नहीं है तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर इस समय उनके पास अपना दुख व्यक्त करने का समय नहीं था। उनकी मित्तल परिवार की आखिरी निशानी और उनकी अमानत की रक्षा करनी थी, जिसके ऊपर अब भी बेहद ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जिन्होंने भी इस हादसे को अंजाम दिए है या इसके पीछे के हथियारों को अगर ये पता चला अनाया मित्तल जिंदा है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो दोनों श्रेया को बचाने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दा घर से अनाया के देसे ही फिजिक्स होने वाली एक बॉडी को लाकर उसे अनाया ने जो पार्टी में ड्रेस पहनी थी वैसी ही सेम ड्रेस पहना देते हैं। ये सब काम एक लेडी नज ने किया था पैसा लेकर, पर उसे इस बात का कुछ पता नहीं था कि ये लोग कौन है और क्यों कर रहे हैं। उसे तो बस पैसों से
मतलब था, उस बॉडी का चेहरा खराब कर उसे भी लाशों के बीच में रख देते हैं। ये सब उन दोनों ने इतनी बरकाइयों से किया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। सेफ हाउस, अनाया का रूम। अनाया धीरे धीरे अपने होश में आने लगी थी। अब तक वहां पर नितिन और रमेश भी पहुंच चुके थे। जब उन्हें अनाया के शरीर में हलचल महसूस हुई तो वो दोनों उसके उठने का इंतजार करने लगे। अनाया को अपने सामने मित्तल मेंशन में हुआ ब्लास्ट नजर आता है। वो चीख के साथ उठती है। वो पूरी की पूरी पसीने से भीगी थी। साथ में वो डर के मारे कांप रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो अपने आप को अनजान जगह पर पति है रूम में। ध्यान से देखने पर उसे अपने सामने रमेश और नितिन नजर आते हैं, जो कि उसके दोनों भाइयों ने उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ रखा था। वो उनकी तरफ नम आंखों से देखती और उनसे कहती है, भाई कहाँ है? और पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा, दादा, दादी सब कैसे है? वो सही सलामत तो है ना? फिर खुद से ही कहती है, नहीं नहीं, वो सब सही सलामत हो गए। भाई ने वादा किया था वो सबको सही सलामत लेके आएंगे। वो फिर उन दोनों की तरफ देखकर अपनी आस भरी नजर से कहती है, कहा है वो सब सलामत है ना? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बताओ। वो दोनों उसकी बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मिस वो श्रेया उन्हें बीच में ही रोककर कहती है, वो क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ ना, सब कहा है? नहीं तो मुझे उनके पास लेके चलो। इतना कहकर वो अपनी जगह पर से उठने लगती है। उसके उठने से पहले ही नितिन उसे रोकते हुए अपनी नम आंखों से कहता है, मिस आप बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। इतना कहकर वो अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर अनाया से कहता है, मिस कोई भी उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। सब उस ब्लास्ट में हमें छोड़कर चले गए। आपके भाई और हमारे बॉस, दादू, दादी, बड़े साहिब, बड़े मालकिन, छोटे मालकिन, कोई भी उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। हम अभी थोड़ी देर पहले वहां से ही आए हैं। सबकी डेड बॉडी देखकर ठीक से कोई पहचान भी नहीं आ रहा था, पर उन लोगों ने पहने हुए कपड़ों से उनकी पहचान हो गई है। इतना कहकर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो कि उसने इतनी देर से रोके थे। उसकी कंडीशन समझकर रमेश उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे धीर देता है और आगे की बात कंटिन्यू करता है, मिस शायद कोई आपकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता था। हमने आपके भाइयों से और हमारे बॉस से आपकी सुरक्षा का वादा किया है और वो हम मरते दम तक निभाएंगे। अगर उस हथियारों को आपके जिंदा होने की बात पता चलती तो वो आपको भी ढूंढ कर मार देता। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए हमने आपकी जैसे ही एक डेड बॉडी को अपने आज जो ड्रेस पहना था वैसा ही ड्रेस पहनाकर उस बॉडी का फेस खराब करके उसे आपकी फैमिली के लोगों के डेड बॉडी को जहां पर रखा था वहां पर रख दिया। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अनाया की तरफ देखकर कहता है, मिस अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, पर उस समय हमें जो सूझा वही किया हमने। हम अब बाकी सबको तो को चुके हैं, पर आपको नहीं को सकते। आपको जिंदा रहना होगा, उन लोगों से बदला लेने जिन्होंने आपके अपनों को आपसे दूर किया। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और अनाया की तरफ देखने लगता है। ये सब बातें सुनकर अनाया शोक में चली गई थी। उसे अपनी फैमिली के डेथ के बारे में सुनकर सदमा लग गया था। उसके आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं, पर वो जब उन हथियारों से अपने फैमिली के डेथ का बदला लेने की बात जब रितेश के मुंह से सुनती है तो वो खुद को संभालती है। अपने आंसू अपने हाथों से बेरहमी के साथ पोंछती है। उसके बाद वो नितिन और रमेश की तरफ देखकर कहती है, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। अपनी फैमिली के मौत का मुझे उन लोगों के बारे में सब जानना है। अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी फैमिली के डेथ का बदला लेना है उन दरिंदों से जिन्होंने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, मुझे अनाथ कर दिया। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। अब उन्हें अनाया मित्तल के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी लाइफ की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। रितेश और नितिन दोनों ही इस वक्त अनाया की बातें सुनते हैं। उसकी सनकबारी बातों को सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े होते हैं। उन्हें इस वक्त अपनी मिस से बहुत डर लग रहा था। उनके मुंह से
कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। दोनों ही खुद को संभल कर अपने मिस की तरफ देख कर कहते हैं, मिस आप जो भी करेंगे उसमें हम आपके साथ हैं, पर आपको अपना ख्याल रखना होगा। आप अपने आप को हमेशा सेफ रखेगी। आप अपने भाइयों और हमारे बॉस की कुर्बानी वाया नहीं जाने देगी। उन्होंने आपको बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी। वो हमेशा आपको सुरक्षित देखना चाहते थे। अनाया उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखकर कहती है, आप लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी जब तक अपना बदला न ले सकूं उन हत्यारों से जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है। आप लोग उन लोगों के बारे में पता लगाओ। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ और हाँ, मैं अपने परिवार का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। मेरे होते हुए वो इसे ही बेवारिश की तरह नहीं रहना चाहिए। उनका सभी विधि विधान से अंतिम क्रियाकर्म किया जाएगा। दोनों ही उसकी बात पर सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। अनाया उस रूम में अकेली रह जाती है। अनाया नितिन और रमेश के रूम से चले जाते ही अपनी सुनी आंखों से एक तक एक जगह को देखने लगती है। अपनी फैमिली को थोड़ी देर या यूं कहे कुछ घंटों पहले उन्हें इतने खुश देखा था और अब वो उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर हमेशा के लिए निकल गए थे, उसे हमेशा के लिए अनाथ करके। अनाया के सामने वो हादसा किसी फिल्म की तरह याद आता है। याद आते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही आंसू बहाने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और खुद से ही एक प्राण लेती है। अनाया तुम कब से इतनी कमजोर हो गई? क्या तुमने अपने डैड से यही सब सीखा था? क्या उन्होंने तुमको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है? ये भूल गई हो क्या? अब समय आ गया है जिसने भी मेरे परिवार को मुझसे दूर किया है, चाहे उसकी जो भी वजह हो, उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। वो बड़ी ही सनक के साथ अपने आंखों में बदले की आग के साथ आगे कहती है, अब से मैं कभी भी नहीं रोएंगी। अब मेरे जीने का सबसे बड़ा मकसद मेरा बदला है। मैं जल्दी ही उनसे बदला लूंगी। डैड, भाई, बड़े पापा, बड़ी माँ, दादा और दादू, आप सब देखना आपकी अनाया कैसे आप सबके डेट का बदला लेती है। जब तक उनको मौत के घाट न उतार दू, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर अनाया उस रूम में ही बने एक छोटे से स्टडी रूम में चली जाती है। वहां पर लगे स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अपना लैपटॉप लेकर उसे ओपन करती है और उसमें कुछ करने लगती है। उस रूम इतनी शांति थी कि बस कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। अनाया की उंगलियां इस वक्त तेजी के साथ लैपटॉप पर चल रही थी जैसे उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर डांस कर रही हो। ऐसे ही उसे लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते करते 1 घंटा हो गया था, लेकिन अब भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर वैसी ही चालू थी। आधे घंटे बाद वो रुकती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जो काम कर रही थी वो काम पूरा हो गया था। उसके सामने किसी कंपनी का डाटा था। वो इस डाटा को सेव करके वहां से उठकर बाहर अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में आते ही रूम का डोर नोक होता है। वो उन्हें अंदर आने की कहती है। रूम के डोर पर और कोई नहीं बल्कि नितिन और रमेश थे, जो अभी अनाया ने जो उन्हें काम दिया था वो पूरा करके आ गए थे। उनने मित्तल फैमिली के सारे लोगों के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की थी। वो यही बात अनाया को बताने के लिए आए थे। वो अनाया के कहने पर रूम में एंटर होते और उसे बताते हैं कि उन्होंने मित्तल परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर दी है। किसी को भी इस बात का कोई शक नहीं हुआ जब पुलिस वाले उन्हें इलेक्ट्रिक मुर्दा घर अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रहे थे। तभी इन लोगों ने बीच में ही सारी लाशें दूसरी लाशें से चेंज कर दी थी। उन दोनों ने ये काम इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी इस बात का शक नहीं हुआ। वो ये सब बात अनाया से कहते हैं और चुप होकर उसके आगे के ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। अनाया उनकी बात सुनकर बिना किसी इमोशन के उन दोनों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, पंडित को बुलाओ, हम पहले उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। सब कुछ विधि विधान के साथ होना चाहिए। उसका इतना ही कहना था कि दोनों अपना सर हमें हिला के वहां से चले जाते। उसके बाद अनाया अपने इमोशनलेस फेस के साथ बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। उसने इस समय एक सफेद ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें ज्यादा
रोने के कारण सूज गई थी। उनका रंग पूरा का पूरा लाल था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी इमोशन शो नहीं हो रहा था। वो रूम से निकलकर सीधा उस सेफ हाउस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है जहां पर रमेश और नितिन उसका कार में बैठकर इंतजार कर रहे थे। अनाया के कार में बैठते ही नितिन को कि इस वक्त ड्राइवर सीट पर बैठा था, वो कार को चालू कर शमशान घाट की तरफ कार बढ़ा देता है जहां पर मित्तल परिवार के लोगों की अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी। आधे घंटे में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ पहले से ही रेडी किया हुआ था। अनाया जब सबकी सजी हुई अर्थी देखती है तो वो फिर से अंदर से टूट जाती है, पर वो ये सब वो अपने चेहरे से शो नहीं होने देती। उसने अपना चेहरा इस वक्त अपने व्हाइट ओढ़नी से ढका हुआ था। वो चलकर जहां पर अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की थी वहां पर जाकर खड़ी होती है। पंडित अपने काम करने लगता है। अनाया एक एक करके सबके अर्थी को अग्नि देती है, उसी के साथ वो ये प्राण लेती है। आप सबके मौत का जिम्मेदार जब तक जीवित है तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं उसे उसकी किए की सजा नहीं दिला देती। इतना कहकर वो वही बैठकर आग में जलते हुए अपने परिवार के अर्थी को देखती रहती है। अनाया एक टक अपनी परिवार की जलती हुई चिता की तरफ देख रही थी। क्या समय बिताई उसे भी पता नहीं चला। नितिन ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तब जाके उसको होश आ गया। होश में आकर उन तीनों ने अस्तिया गोला की ओर, वहां से वो तीनों ही सेफ हाउस की तरफ चले गए। अनाया, नितिन और रमेश थोड़ी देर बाद सेफ हाउस पहुंचते हैं। सेफ हाउस में अंदर जाते ही अनाया उन दोनों से कहती है, नितिन दादा और रमेश दादा, हम कल सुबह हरिद्वार के लिए निकलना है तो जाने की तैयारी कीजिए। अनाया की बात पर वो दोनों अपना सरहा में हिलाते और कल हरिद्वार जाने की सारी तैयारी करने चले जाते हैं। अनाया नितिन और रमेश को दादा कहती थी। वो उन दोनों से छोटी थी इसलिए, और उन दोनों की कभी कोई बहन नहीं थी। अब वो तीनों ही एक दूसरे की फैमिली थे। उसके उन दोनों को दादा कहने से उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनाया भी परिवार के अस्थि कलश के साथ अपने रूम में चली जाती है। सब कलश वही एक टेबल पर रख देती है। बाथरूम मैं जाकर फ्रेश होकर सिंपल सा नाइट सूट पहनकर बेड पर आकर लेट जाती है। कुछ देर तक अपने सामने रखी अस्थियों को एक टक देखने के बाद वो गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। इधर नितिन और रमेश भी हरिद्वार जाने की सारी तैयारी करके आ चुके थे। वो भी आकर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उन लोगों ने हरिद्वार जाने के लिए फ्लाइट से जाना डिसाइड किया, क्योंकि अगर वो रोड से जाते तो उन्हें मुंबई से हरिद्वार जाने में करीब 26-14 आवर्स लगते, और अगर वो फ्लाइट से जाते हैं तो उन्हें मुंबई से फ्लाइट लेकर देहरादून में उतरना पड़ता और फिर वहां से कैब लेकर हरिद्वार जाते। इसमें इन्हें 7 आवर्स 35 मिनट लगते, इसलिए उन तीनों ने ही फ्लाइट से जाना ही डिसाइड किया था। उनकी फ्लाइट सुबह की 6 बजे थी। उन्हें देहरादून पहुंचने में करीब 4 आवर्स 31 मिनट लगने वाले थे और वहां से कैब कर के आगे जाने में उन्हें कुल मिलाकर 7 आवर्स 35 मिनट लगेंगे हरिद्वार पहुंचने में। मतलब वो करीब नॉन स्टॉप चलते है, कहीं पर भी नहीं रुकते, तो वो लोग 1:30 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंच जाते। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम अनाया के हरिद्वार के सफर के बारे में जानेंगे, पर जाने से पहले हरिद्वार सिटी के बारे थोड़ा बहुत जानते हैं। हरिद्वार के बारे में कुछ जानकारियाँ। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3,139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगाद्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगाजी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ हरि ईश्वर का द्वार होता है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई। जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, ध्यातव्य है कि कुंभिया
महाकुंभ से संबद्ध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है, प्रक्षिप्त रूप में ही इसका उल्लेख होता रहा है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता है कि चार स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। वे स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 1-2 वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहां इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थीं उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहां आते हैं। यहां स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। हर की पौड़ी पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यही तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल ये कुंड तथा पैड़ियां सीढ़ियां बनवाई थी। इनका नाम हरि की पैड़ी इसी कारण पड़ गया। 15 यही हरि की पैड़ी बोलचाल में हर की पौड़ी हो गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यही स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहां धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया, जो बोलचाल में हर की पौड़ी बन गया है। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट ही कनखल में हुआ था। लिंग महापुराण में कहा गया है, यज्ञवात्स्थ तस्य गंगाद्वार समीपतः तद्देशे चैव विख्यातम शुभ कनखल द्विजा। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, गंगाद्वार के समीप कनखल नामक शुभ तथा विख्यात स्थान है। उसी स्थान में दक्ष की यज्ञशाला थी, यही सती भस्म हो गई थी। मान्यता है कि इसके बाद शिव जी के कोप से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाने के बाद यज्ञ की पूर्णता के लिए हरिद्वार के इसी स्थान पर भगवान विष्णु की स्तुति की गई थी और यहीं वे प्रकट हुए थे। बाद में ये कीर्दंती फैल गई कि यहां पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। वास्तव में वह निशान कहीं नहीं है, लेकिन इस स्थान की महिमा अति की हद तक प्रचलित है। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी भी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव है। स्वरों व रंगों का एक कौतुक समारोह के बाद देखने को मिलता है, जब तीर्थयात्री जलते दीयों को नदी पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहाते हैं। विश्वभर से हजारों लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस प्रार्थना में उपस्थित होने का ध्यान रखते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।